यह है पावर बूस्टर सीरीज में कक्षा 12 का अध्याय 10 जीव और समष्टियां। यहां पर आपको एनसीईआरटी के प्रत्येक लाइन से बने हुए आप छोटे क्वेश्चन के माध्यम से क्विक रिवीजन कराया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आपने कक्षा 12 के अध्याय 10 जीव और समष्टियां अच्छे तरीके से पढ़ा है। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि जैविक स्तर पर पारिस्थितिक मूल रूप से क्या होता है। अगर हम बात करें जैविक स्तर पर यानी जीवों के स्तर पर अगर हम पारिस्थितिकी की बात करें तो वो मूल रूप से क्या है, तो वो होता है काईकीय पारिस्थितिकी यानी फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, अभी तक पूछा नहीं गया है। गलत कथन का चयन करिए। प्रत्येक जीवों के अंदर ही क्षेत्रीय और स्थलीय विभिन्नताओं के कारण आवासों में व्यापक विविधता है। बिल्कुल सही बात है। कह रहे विभिन्न आवासों की भौतिक और रासायनिक स्थिति में इतनी अधिक विविधता के मुख्य तत्व तापमान जल प्रकाश समृद्धा है। बिल्कुल सही बात है। कह रहे एक लंबे समय में स्पर्धा द्वारा अपने आवास में उत्तरजीविता और जनन को इष्टतम बनाने के लिए जीव ने अनुकूलनों का विकास किया है। अनुकूलनों का विकास किया है स्पर्धा द्वारा नहीं बल्कि प्राकृतिक चयन द्वारा, नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिकी रूप से सबसे प्रासंगिक पर्यावरणीय कारक कौन सा है। यह आपके एनसीईआरटी में मेंशन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीट के लिए आज से कि सबसे प्रासंगिक जो पर्यावरणीय कारक है जो पर्यावरण को ज्यादातर प्रभावित करता है वो है आपका तापमान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर और मैदानों से पर्वत शिखरों की ओर तापमान क्या होता है। अब देखिए, अगर आपने ग्लोब पढ़ा है तो ये क्या होता है, ध्रुव क्षेत्र होता है। ठीक है, ये ध्रुव है, ये ध्रुव है, यह आपका दक्षिणी ध्रुव है, यह आपका उत्तरी ध्रुव है। तो हम जब इक्वेटर से भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो तापमान क्या होता है, घटता है। आपने देखा होगा ग्लोब वगैरह, यहाँ पर आइस जमी रहती है। ठीक है, आर्कटिक और अंटार्कटिका क्षेत्र में क्या होती है, बर्फ जमी होती है। वहीं हम बात करें, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम लोग कहाँ रहते हैं, अगर हम बात करें यूपी में तो यूपी में मैदानी क्षेत्र है। क्या है, मैदानी क्षेत्र। अगर हम यहाँ पर बात करें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम वगैरह और जम्मू कश्मीर जो कि क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो पहाड़ क्या होता है, स्थल से ऊंचा होता है ना, ये मान लो स्थल है तो ये पहाड़ है, तो ऊंचा है तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तब भी तापमान क्या होता है, घटता है। इसीलिए जो गर्मी के क्षेत्र, गर्मी के समय में हम लोग कहाँ भागते हैं, जम्मू कश्मीर घूमने के लिए जहाँ पर ठंडा है, उत्तराखंड चले जाते हैं, हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं, तो क्या होता है, तापमान घटता है इस वजह से, ऑप्शन बी। कुछ जीव तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। देखिए, जब व्यापक परास की बात आए तो व्यापक परास में यूज किया जाता है यूरी शब्द, और कम परास की बात की जाए तो कम परास के लिए शब्द यूज किया जाता है स्टेनो। यहां पर किसकी बात की गई है, तापमान की। आपने पढ़ा है थर्मल, थर्मल किससे रिलेटेड होता है, ताप से। तो यूरी थर्मल जो होते हैं वो व्यापक परास को सह सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी। और जो स्टेनो होते हैं, स्टेनो थर्मल, वे कम परास वाले तापमान को सहन कर सकते हैं। देखिए, कुछ जीव तापमान के कम परास को सहन कर सकते हैं। देखो, कम परास आ गया और तापमान, तो क्या लगाओगे, स्टेनो थर्मल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए। विभिन्न जातियों की भौगोलिक वितरण काफी हद तक उनकी तापीय सहन शक्ति पर निर्भर है। बिल्कुल सही बात है। हिम चीते केरल के जंगलों में बहुत अच्छे पाए, तो गलत बात है। केरल में तो गर्मी होती है ज्यादा, और हिम चीते, हिम का मतलब ये होता है बर्फीला चीता, वो बर्फ वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर नहीं, ऑप्शन बी। गलत कथन का चयन करो। लवण की सांद्रता अंतरस्थलीय जल में 5 से कम, समुद्र में 30 से 35 और अति लवणीय लैगूनों में 100 से अधिक होती। बिल्कुल सही बात है। कह रहे वनों में अनेक जातियों के छोटे पौधे बहुत हल्के प्रकाश वाली परिस्थितियों में इष्टतम प्रकाश संश्लेषण करने के लिए अनुकूलित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। कह रहे सौर विकिरण की स्पेक्ट्रम का परावैगनिक घटक बहुत से जीवों के लिए हानिकारक है। बिल्कुल सही बात है। कह रहे बहुत से जीव लवणता के व्यापक परास के प्रति सहनशील होते हैं, इन्हें स्टेनोहेलिन कहते हैं। देखो, स्टेनोहेलिन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, कम परास के लिए यूज किया जाता है, और यहाँ क्या है, व्यापक परास लगा दीजिए, ऑप्शन डी। व्यापक परास के लिए क्या होना चाहिए, यूरोहेलिन होना चाहिए, यूरीहेलिन। गलत कथन का चयन करिए। महासागरों की गहराई में पर्यावरण निरंतर अंधकार में रहता है। बिल्कुल सही बात है। कह रहे मृदा की प्रकृति व गुण जलवायु अपक्षय प्रक्रम पर निर्भर करता है। सही है। मृदा संगठक कण साइज पुंजन मृदा के अंतःस्रावण तथा जल धारण का क्षमता का निर्धारण करता है। सही है। कह रहे मृदा का पीएच, खनिज संगठन और स्थलाकृति काफी हद तक किसी क्षेत्र के जंतु का, गलत बात है, वहां की वनस्पति का निर्धारण करती है। वनस्पति का संबंध होता है मृदा से। ठीक है, ऑप्शन डी गलत है। जलीय पर्यावरण की अवसादी विशेषताएं वहां पनपने वाली जीव का निर्माण करती है। मान लो जलीय पर्यावरण की अवसादी, मान लो कि ये तालाब है, तो तालाब का जो अवसाद है, अवसाद मतलब जो
सड़ी गली चीजें हैं जो कहाँ बैठती हैं, निचले स्तर पर। तो निचले स्तर पर जो जाकर बैठती हैं वो क्या डिसाइड करेंगी, वहां के नितलस्थ प्राणियों का यानी बैंथिक एनिमल्स जो यहाँ पर नीचे पाए जाते हैं, क्या बताएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्राणी जिनके शरीर का तापमान परिवेशी तापमान के अनुसार बदलता रहता है क्या कहलाता है। तो पौधे को देखोगे तो पौधे का तापमान बाहरी तापमान के अनुसार बदलता रहता है, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, संरूपक कहलाते हैं, कन्फॉर्मर्स, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ जीव समस्थापन कार्य की साधनों द्वारा बनाए रखते हैं जिससे शरीर का तापमान पराश्रयी सांद्रता आदि स्थिर रहता है, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं। वे जीव जो समस्थापन बनाए रखते हैं, जैसे हम लोग अपने शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा बनाए रखते हैं, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। ठंडी होगी तो कांपेंगे, कपकपी आने से भी गर्मी पैदा होती है, और गर्मी आने पर पसीना आएगा तो उससे ठंडक महसूस होती है। तो हम क्या कहलाते हैं, नियामक रेगुलेटर्स, वे जो अपना तापमान स्थिर बनाए रख सकते हैं नियामक रेगुलेटर्स कहलाते हैं। उन जीवों का चुनाव करिए जो नियामक कहलाते हैं। तो अभी बताएं नियामक कौन होंगे, सभी पक्षी और स्तनधारी नियामक होते हैं, कुछ निम्न आकशेरुकी भी नियामक होते हैं। पादप की बात करें तो पादप क्या होता है, संरूपक होता है, कन्फर्मर। तो ऑप्शन डी लगा दीजिए, ए और बी सही है। नेक्स्ट, संरूपक प्राणी का उदाहरण क्या है। तो संरूपक प्राणी अभी आपने पढ़ा है सभी पादप होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विकासवादी जीव वैज्ञानिकों का विश्वास है कि स्तनधारियों की सफलता का कारण क्या है। स्तनधारियों की सफलता का मुख्य कारण माना जाता है कि वे अपने तापमान को स्थिर बनाए रखने में सक्षम होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए, जलीय प्राणियों में शरीर के तरल की पराश्रयी सांद्रता परिवेशी तापमान के अनुसार बदलती रहती है, सही है। ताप हानि व लाभ पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रकार है, सही है। बहुत छोटे प्राणी ज्यादातर ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, गलत बात है, ध्रुवीय क्षेत्र में छोटे प्राणी नहीं पाए जाते क्योंकि उनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उनके आयतन के अकॉर्डिंग ज्यादा होता है। जीव दबावपूर्ण आवास से अस्थायी रूप से अधिक अनुकूल क्षेत्र में चला जाए और दबाव भरी अवधि बीत जाए तो वापस लौट आता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। जैसे आपने एक पढ़ा होगा साइबेरियन क्रेन का एग्जांपल, साइबेरियन क्रेन ठंडी के मौसम में साइबेरिया से उड़कर कहाँ चला आता है, भारत के केवलादेव राष्ट्रीय पार्क में। तो और जब ठंडी चली जाती है, गर्मी आ जाती है तो वापस लौट जाता है अपने देश में। तो इसे कहते हैं प्रवास करना, ठीक है, इमाइग्रेशन। जीवाणु कवकों और निम्न पादपों में विभिन्न प्रकार के मोटी भित्ती वाले बीजाणु बन जाते हैं जिससे उन्हें प्रतिकूल परिस्थिति में जीवित बचे रहने में सहायता मिलती है, प्रक्रिया क्या कहलाती है। जैसे जो जीवाणु कवक होते हैं, निम्न पादप होते हैं, जब प्रतिकूल परिस्थिति आता है तो अपना बीजाणु बना देते हैं जिससे वे तो मर जाते हैं लेकिन उनकी बीजाणु बची रह जाती है। जब प्रतिकूल परिस्थिति चली जाती है, अनुकूल परिस्थिति आ जाती है तो वो बीजाणु फिर से पनप कर वैसे ही जीव को पैदा करते हैं, इसे कहते हैं सस्पेंड करना, निलंबित करना। नेक्स्ट, कुछ घोंगे और मछलियां ग्रीष्म ऋतु से संबंधित ताप तथा जल शुष्कन जैसी समस्याओं से बचने के लिए, देखो जब ग्रीष्म ऋतु से संबंधित अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे, ग्रीष्म निष्क्रियता, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस्टिवेशन, यानी गर्मी से बचने के लिए ये क्या चली जाती है, मिट्टी में जाके छिप जाएंगी, अपने आप को मारा घोषित कर देंगी, मरती नहीं है, उनके जीवित रहने वाला कार्य चलता रहता है, बाहर बाहर नहीं निकलेंगी साल दो साल। नेक्स्ट, जीव का ऐसा गुण जो उसे उसके आवास में जीवित बने रहने और जनन करने के योग्य बनाता है क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है, अडॉप्टेशन। ध्रुवीय समुद्रों में सील जैसे स्तनधारियों में उनकी त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है जो उष्मा रोधी का काम करती है, शरीर की उष्मा हानि को कम करती है, इसे क्या कहते हैं, ब्लबर, ब्लबर पाया जाता है। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए, अनेक अनुकूलन लंबे समय के विकास यात्रा के बाद विकसित हुए हैं, अनुवंशिकता स्थिर हो गए, सही है। जल के वाय स्रोत न होने पर उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल में कंगारी चूहा अपने जल की आवश्यकता की पूर्ति अपने प्रोटीन के ऑक्सीकरण से पूरी करने में सक्षम है, गलत बात है, वह अपने वसा के ऑक्सीकरण से जल की पूर्ति करता है, ठीक है, ऑप्शन बी गलत है। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए, प्रतिकूल परिस्थितियों में झीलों और तालाबों में प्राणी पलवक की अनेक जातियां उपरति में आ जाती हैं जो निलंबित परिवर्धन की एक अवस्था है, बिल्कुल सही है। मरुस्थलीय पादपों जैसे नागफनी कैक्टस आदि में पत्तियां नहीं होती बल्कि वे कांटों में रूपांतरित होती है और प्रकाश संश्लेषण का कार्य चपटित नजर आता है, बिल्कुल सही बात है, ये इंपॉर्टेंट भी है लाइन। तुंगता बीमारी का कारण उच्च तुंगता क्षेत्र में वायुमंडलीय दाब का कम होना है जिसके कारण मिचली थकान और हृदय स्पंदन में वृद्धि हो जाती है। जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड रीजन पे जाते हैं पहाड़ वगैरह पर तो हमारी धड़कने बढ़ जाती है, हमें मिचली आने लगता है, थकान महसूस होता है, वो क्यों होता है, वहां पर वायुमंडलीय दबाव कम होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इतना कम हो जाता है कि हमें ऑक्सीजन मिल नहीं पाता पूरी तरीके से। तो अब ऐसे सिचुएशन से निपटने के लिए हमारा शरीर क्या करता है, उच्च तुंगता क्षेत्र में शरीर कम ऑक्सीजन उपलब्ध होने की क्षतिपूर्ति आरबीसी को बढ़ाकर करता है, कह रहे हैं हीमोग्लोबिन की बंधनकारी क्षमता को बढ़ाकर करता है, गलत बात है, घटाकर करता है।
ऑप्शन डी ही गलत है। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए। अनेक मछलियां दक्षिण ध्रुवीय जल में खूब पनपती हैं जहां का तापमान हमेशा शून्य से कम है। बिल्कुल सही बात है। अनेकों समुद्री आकशेरुकी और मछलियां महासागर की बहुत गहराई में रहती हैं जहां का दाब उस सामान्य वायुमंडलीय दाब से 100 गुना अधिक होता है जो हम पृथ्वी पर अनुभव करते हैं। बिल्कुल सही बात है। समष्टि पारिस्थितिकी को समष्टि आनुवंशिकी और विकास से जोड़ता है। बिल्कुल सही बात है। अगर समष्टि के लिए आयु वितरण आलेखित किया है तो बनने वाला संरचना पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। गलत बात है, आयु पिरामिड कहलाता है। ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट, प्राकृतिक वर्ण द्वारा वांछित विशेषकों को विकसित करने का कार्य किस स्तर पर होता है? प्राकृतिक वर्ण द्वारा, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा वांछित विशेषकों को विकसित करने का कार्य किस स्तर पर होता है? समष्टि स्तर पर होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वेष्टि का गुण नहीं है। देखो, वेष्टि मृत्यु होती है, उसका जन्म होता है, आयु भी उसके पास होता है, लेकिन लिंग अनुपात नहीं होता। लिंग अनुपात किसका लक्षण है? समष्टि का लक्षण है। वेष्टि का लिंग होता है, नर है या मादा है, ठीक है, लेकिन लिंग अनुपात किसकी विशेषता? समष्टि की। जन्म दर किसकी विशेषता है? समष्टि की। मृत्यु दर किसकी विशेषता है? समष्टि की। गलत कथन का चयन करिए। कह रहे हैं समष्टि में जन्म दर और मृत्यु दर को क्रमशः प्रति व्यक्ति जन्म दर और मृत्यु दर कहते हैं। सही है। किसी जाति के लिए समष्टि आकार स्थिर रहता है? गलत बात है। किसी भी जाति के लिए समष्टि आकार स्थिर नहीं होता, स्वरूप बदलता है। नेक्स्ट, जब आवास में संसाधन असीमित होते हैं तो प्रत्येक जाति में संख्या में वृद्धि कर सकने की अपनी जन्मजात शक्ति को अनुभव करने की योग्यता होती है, यह किस प्रकार की वृद्धि को प्रदर्शित करता है? संसाधन जब असीमित हो तब वृद्धि भी असीमित होगा, यानी चर घातांकी होगा। चर घातांकी को ही ज्यामिति भी कहते हैं, यानी ए और बी दोनों लगाएंगे। ऑप्शन डी। जे आकार का वक्र किस प्रकार की वृद्धि में होता है? भाई, अब जब असीमित संसाधन है, खाना पानी रहना कुछ कम होना ही नहीं है, खत्म ही नहीं होना, तो वृद्धि कैसा जाएगा? बढ़ता ही जाएगा। तो कैसा बढ़ रहा है? जे आकार का। तो जे आकार का चर घातांकी, क्योंकि चर घातांकी ही क्या होता है, जिसमें संसाधन क्या होता है? असीमित होता है। वही बात करें संभार की, तो संसाधन क्या होता है? संभार वृद्धि तंत्र में संसाधन सीमित होता है, जिसके कारण वृद्धि क्या होती है? सिग्मॉइड वक्र दर्शाती है। समष्टि वृद्धि पर किसी भी जैविक और अजैविक कारक के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो तरीका है वो क्या है? प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर को निकालना। प्रकृति में दिए गए आवास के पास अधिकतम संभव संख्या के पालन पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन होते हैं, इससे आगे और वृद्धि संभव नहीं है। उस आवास में उस जाति के लिए इस सीमा की प्रकृति को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं पोषण क्षमता, जिसे के से डिनोट करते हैं, कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। नेक्स्ट, किसी आवास में सीमित संसाधनों के साथ वृद्धि कर रहे समष्टि आरंभ में दर्शाती है। आरंभ में सीमित संसाधनों के साथ वृद्धि पश्चता प्रावस्था लैग फेज प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट, सीमित संसाधन में समय टी के संदर्भ में एन का आरएफ कैसा बनता है? देखो, सीमित संसाधन है तो सीमित संसाधन है तो क्या बनेगा? संभार वृद्धि तंत्र। और संभार वृद्धि तंत्र का मॉडल कैसा होता है? सिग्मॉइड वक्र। ऑप्शन बी। संभार वृद्धि मॉडल की विशेषता क्या है? इस समय टी के संदर्भ में एन का आरएफ सिग्मॉइड होता है। सही है, अभी आपने लगाया। इसे वर्हल्स पर लॉजिस्टिक वृद्धि कहते हैं, ये भी सही है। या सीमित संसाधनों में समष्टि की वृद्धि को दर्शाता है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी लगा दीजिए उपरोक्त सभी। कुछ जीव अपने जीवन काल में केवल एक बार जनन करते हैं, जैसे कौन कौन से? सामान मछली भी और बांस भी। ऑप्शन डी लगा दीजिए। पक्षी तो कई बार करता है। ऑप्शन डी लगा दीजिए। गलत कथन का चयन करिए। जीवों के जीवन वित्त विशेषक जिस आवास में वे रहते हैं उसके अजीवी और जीवी घटकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के संदर्भ में विकसित होता है। सही है। प्रकृति में प्राणी पादप और सूक्ष्म जीव ना तो पृथक रहते हैं ना ही रहते हैं, बल्कि जैव समुदाय बनाने के लिए विभिन्न तरीकों से परस्पर क्रिया करते हैं। सही है। अंतरजातीय पारस्परिक क्रियाएं दो एक समान जातियों की समष्टियों। गलत बात है। दो भिन्न जातियों की समष्टियों के बीच होता है अंतरजातीय पारस्परिक क्रियाएं। अंतरजातीय परजीविता एमेंसलिज्म में क्या होता है? एमेंसलिज्म में एक को हानि और दूसरे को न लाभ न हानि होता है। ठीक है, तो देख लीजिए, एक जाति को हानि और दूसरे को न लाभ न हानि होता है। नेक्स्ट, वह पारस्परिक संबंध जिसमें पारस्परिक क्रिया करने वाली जातियां निकटता से रहती हैं। तो परभक्षण में भी क्या होता है? शेर हिरण निकटता से ही रहते हैं। परजीविता में भी क्या होता है? वो जीव एक, जैसे मान लो कि परजीवी कोई हमारे शरीर में आ गया, एंटामीबा हिस्टोलिटिका आ गया, तो हमारे आंत में रह रहा है ना, तो ये आपस में क्या है?
परस्परिक क्रिया करते हैं। सहभोजिता में लाइकेन का एग्जाम्पल ले लो, जिसमें कवक और शैवाल साथ साथ रहते हैं, तो सभी एक दूसरे के साथ परस्परिक क्रिया करते हैं। ऑप्शन डी लगाएंगे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में कुछ विदेशी जातियां लाई जाती हैं तो वे आक्रामक हो जाती हैं और तेजी से फैलने लगती हैं। या आक्रांत भूमि में ऐसा क्या होता है कि वो इतनी तेजी से फैलने लगती हैं? क्योंकि वो जहां से लाई गई हैं उनका कोई प्राकृतिक परभक्षी उस जगह पर मौजूद नहीं है जहां पर वो नया नया स्थान पर लाई गई हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर सरकार को पता है कि बेरोजगारी अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, लोग परेशान रहेंगे, लोग परेशान रहेंगे तो भीख मांगने पर व्याकुल हो जाएंगे, तो सरकार उन्हें भीख दे ही रही है पैकेट में थमा थमा के, क्या कहते हैं, चावल दाल राशन, तो चावल दाल राशन लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ का सरकार जानता है क्योंकि वो उससे अच्छी तरीके से परिचित है, यानी हमारे लोगों का परभक्षी कौन है, हमारा सरकार है। और वहीं अगर हम बात करें, अगर हम लोग अमेरिका में चले जाते हैं तो वहाँ हमारी वैल्यू होती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि हम किस फेज से गुजरे हैं, वहाँ पर हमारे परभक्षी नहीं है, वो हमें अच्छे से अच्छी सैलरी देंगे, अच्छे से अच्छा खाना पीना देंगे। अभी आप लोग को हो सकता है ये बात बुरा लग रहा हो, बड़े होगे धीरे धीरे समझ जाओगे कि हमारा सरकार क्या कर रहा है हम लोग के साथ। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट, कृषि पीड़कनाशी के नियंत्रण में अपनाए गए जैव नियंत्रण विधियां आधारित होती है। अब ये मत समझना कि क्या कहते हैं कि अमेरिका में ऐसी कोई बात नहीं है, अमेरिका में सब गरीब भी होते हैं, ऐसा नहीं है। वहां पर रिस्पेक्ट है पढ़े लिखों वालों की, मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, बस इतना ही जानिए कि आज के समय में जो बेरोजगारी दर देख रहे हैं ना आप लोग, अभी जय श्री राम के नारे लगा के बहुत खुश हो, यकीन मानना आने वाले 2-4-5 साल में अगर ऐसा ही सिचुएशन रहे ना, आप सब 1 रुपया नहीं कमा पाओगे। ये पोजीशन आने वाली है, 1% बेरोजगारी कहीं से भी घट नहीं रही है सिवाय बढ़ने के। आपने न्यूज़ पढ़ा होगा 84% यूथ जो है बेरोजगार है। 84% यूथ का मतलब समझते हैं ना, 84% घरों में जॉब नहीं है, कैसे घर चलेगा भगवान जानता हूँ। कृषि पीड़कनाशी के नियंत्रण में अपनाए गए जैव नियंत्रण विधियाँ किस पर आधारित होती हैं? तो ये आधारित होती है परभक्षी की समष्टि नियमन योग्यता पर। ठीक है, नेक्स्ट, स्पर्धी शिकार जातियों के बीच स्पर्धा की तीव्रता कम करके किसी समुदाय में जातियों की विविधता बनाए रखने में सहायक होती हैं। तो स्पर्धी शिकार जातियों में परभक्षण संबंधित है। नेक्स्ट, मोनार्क तितली के शरीर में विशेष रसायन होने के कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, अभी तक पूछा नहीं गया है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि मोनार्क तितली के शरीर में विशेष रसायन होने के कारण ये अपने परभक्षी के लिए बहुत ही अरुचिकर यानी स्वाद में खराब लगती है, इसलिए उसे कोई खाता नहीं है। तो ये तितली ये जो रसायन है वो कहाँ से प्राप्त करती है? तो वो प्राप्त करती है खरपतवार से। किस अवस्था में? कैटरपिलर अवस्था में। ऑप्शन बी, खेतों में उग रही कैलोट्रोपिस खरपतवार में अत्यधिक विषैला रसायन उत्पन्न होता है जो होता है हृदय ग्लाइकोसाइड। प्रकृति में जब संसाधन सीमित होते हैं तो स्पर्धी रूप से उत्तम जातियां अंततः दूसरी जातियों को विलुप्त कर देती हैं, इस संबंध में किसने अपने प्रयोग किए? तो संसाधन सीमित होता है, स्पर्धी का जो स्पर्धी अपवर्जन नियम किसने दिया था? गौसे ने। ऑप्शन बी लगा दीजिए। नेक्स्ट, स्पर्धी रूप से उत्तम जाति की उपस्थिति के कारण अन्य जाति का वितरण छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिबंधित हो जाता है, ये क्या कहलाता है? स्पर्धी मोचन, कॉम्पिटेटिव रिलीज। स्कॉटलैंड के चट्टानी समुद्र तटों पर बड़े और स्पर्धी रूप से उत्तम बार्नेकल बैलेनस के अंतर्ज्वारीय क्षेत्र में प्रमुखता है, और इसने छोटे बार्नेकल चैथमैलस को उस क्षेत्र से निकाल दिया है। किसके प्रयोगों द्वारा दर्शाया गया? देखिए, बार्नेकल किसके द्वारा? कॉर्नेल द्वारा। ठीक है, कुछ शब्द रिलेट हो रहा है, कॉर्नेल बार्नेकल ने आ रहा है, ऑप्शन उससे रिलेट कर लीजिएगा। एक ही तरह के संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकटतम से संबंधित जातियां अनंत काल तक एक साथ नहीं रह सकती और स्पर्धी रूप से घटिया जातियां तथा विलुप्त कर जाएगी, ये किसका प्रयोग है? तो ये है गॉस का स्पर्धी अपवर्जन नियम। नेक्स्ट, स्पर्धा सामना करने वाली जातियां ऐसी क्रियाविधि विकसित कर सकती हैं जो बहिष्कार के बजाय सह अस्तित्व को बढ़ावा देती है। ऐसी क्रियाविधि, सह अस्तित्व की बात जब आए तो क्या लगा देंगे? संसाधन विभाजन। कहते हैं कि तुम सुबह खा लेना, हम शाम को खाएंगे, परेशान मत करो, लड़ो नहीं एक चीज के लिए। एक ही पेड़ पर रह रहे वार्बलर की 5 निकटता संबंधित जातियां स्पर्धा से बचने में सफल रही, और पेड़ की शाखाओं और वितान पर कीट शिकार के लिए तलाशने की अपनी चारण गतिविधियों में व्यावहारिक विभिन्नता के कारण साथ साथ रह सके, ये किसने प्रदर्शित किया था? तो देखिए, वार्बलर के बारे में जो गणना दिया था, देखिए यहाँ पर रा की मात्रा आ रही है ना, इनके भी नाम के ऊपर रा की मात्रा आ रही है, बस लगा दो मैक और था।
अब कहोगे डार्विन का भी तो आ रहा है, तो डार्विन तो जैव विकास से रिलेटेड है। नेक्स्ट, मानव लीवर फ्लूक अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए दो मध्यस्थ पोषकों पर निर्भर रहता है। तो ह्यूमन लीवर फ्लूक किस पर निर्भर करता है? घोंघा और मछली पर। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गलत कथन का चयन करिए, परजीवी परपोषी को कमजोर बनाकर उसे प्रभक्षण के लिए अधिक असुरक्षित बना देता है। बिल्कुल सही बात है। कह रहे परपोषी जीव की बाह्य पृष्ठ पर आहार पूर्ति करने वाले परजीवी बाह्य परजीवी कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मादा मच्छरों को परजीवी नहीं माना जाता, जबकि जनन के लिए इसको हमारे रक्त की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। अमरबेल एक स्वतंत्र जीवी पादप। गलत बात है। अमरबेल एक क्या है? परजीवी पादप है। ऑप्शन डी। परजीवी पक्षी अपने अंडे परपोषी के घोंसले में देती है। जैसे कोयला अपना अंडा किसमें देती है? कौवे के अंडे घोंसले में देती है। अब परपोषी उन अंडों को सेने देता है। यह क्रिया कहलाती है अंड परजीविता, ब्रॉड पैरासिटिज्म। आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाला आर्किड का पौधा किस प्रकार की पारस्परिक क्रिया करता है? देखो, आम की शाखा पर अगर अधिपादप के रूप में आर्किड का पौधा उग तो गया, तो इससे आम को क्या होता है? ना लाभ ना हानि। लेकिन भैया इसको तो लाभ हुआ ना, आर्किड को तो लाभ हुआ, क्योंकि वो उसके सहारे चढ़ के ऊपर पहुंच रहा धूप पाने के लिए। एक को लाभ हो, दूसरे को ना लाभ ना हानि, तो ये क्या कहलाता है? यह सहभोजिता, कॉमन सेलिज्म कहलाता है। ऑप्शन बी, कॉमन सेलिज्म। नेक्स्ट, वेल की पीठ को आवास बनाने वाला बार्नेकल किस प्रकार की पारस्परिक क्रिया को प्रदर्शित करता है? वही बात है, वेल की बैठ पीठ पर बार्नेकल चिपकी हुई है, उससे वेल को ना तो कोई लाभ है ना कोई हानि, लेकिन बार्नेकल को तो उससे लाभ हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से जा रही है। तो यहां पर भी वही लगेगा, एक को लाभ दूसरे को ना लाभ ना हानि, सहभोजिता। सहभोजिता का उदाहरण देखिए, आम की शाखा पर अधिपादक के रूप में उगने वाला आर्किड, बिल्कुल सही बात है, अभी आपने पढ़ा है। वेल की पीठ को आवास बनाने वाला बार्नेकल, बिल्कुल सही बात है। पक्षी बगुला और चारण पशु का निकट सहचर, बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त सभी। इसमें क्या होता है, जो बगुला होता है वो केचुए को निकालने के लिए मिट्टी के आसपास क्या करता है, चारण पशु जो होता है, चारण पशु जो घास को खाते रहते हैं, तो घास को खाने के दौरान वो घास को उखाड़ते, तो केचुआ भी बाहर आ जाता है, तो बगुला उसके पीछे पीछे चलता रहता है इन पशुओं के, कि जैसे केचुआ दिखे तुरंत खा ले, ठीक है। तो ये है, तो अब उससे चारण पशु को यानी गाय भैंस को कोई बगुले से कोई लाभ नहीं है ना कोई हानि है, लेकिन उसको लाभ हो रहा है, तो एक को लाभ और दूसरे को न लाभ न हानि, तो क्या कहलाएगा? सहभोजिता। समुद्री एनीमोन के दंशक संस्पर्शक के बीच रहने वाला क्लाउन मछली किस प्रकार की पारस्परिक क्रिया को दर्शाता है? अब देखो, जो समुद्री एनीमोन है उसके जो संस्पर्शक है टेंटिकल्स, उसके बीच में छिपी रहती है, तो इससे समुद्री एनीमोन को ना तो कोई लाभ है ना कोई हानि, लेकिन इसको लाभ है, इसको खाने वाले जो परभक्षी है उससे ये बचा रहता है, तो क्या लगाएंगे? इसमें भी सहभोजिता। लाइकेन और माइकोराइजा उदाहरण है। लाइकेन कवक और सहवाल का सहसंबंध होता है, जिसमें दोनों एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते हैं। माइकोराइजा में कवक उच्च पौधों के जड़ों में पाया जाता है, दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं, तो जब दोनों को लाभ होता है तो क्या कहलाता है? या सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म कहलाता है। ऑप्शन डी। परागण कराने के लिए लैंगिक कपट का सहारा, इसका एग्जाम्पल आपको दिया गया था, यूट्यूब पर बताए थे, ऑफरिस, ठीक है। अंतरजातीय परजीविता को किस प्रकार निरूपित किया जाता है? अभी आपने लगाया था अंतरजातीय परजीविता, जिसे क्या कहते हैं? एमेंसलिज्म कहते हैं, जिसमें एक को हानि और दूसरे को न लाभ ना हानि। ऑप्शन ए। प्रकृति में अंतराजातीय प्रतिस्पर्धा के बावजूद प्रतिस्पर्धा करने वाली जातियों ने अपनी उत्तरजीविता के लिए कौन सी विधि का विकास किया है? प्रतिस्पर्धा करने वाली जातियों ने अपनी उत्तरजीविता के लिए क्या किया है भैया? संसाधन विभाजन, ठीक है। ऑप्शन ए, चर घातांक की वृद्धि समीकरण, NT=N₀e^RT में e किसे निरूपित करता है? तो प्राकृतिक लघुगणक का आधार, नेचुरल इंट्रिंसिक रेट ऑफ निकेत क्या है? तापमान का वह परास जो जीव को रहने के लिए चाहिए। गलत, वह भौतिक स्थान जहां एक जीव द्वारा रहता है। गलत, जीव के पर्यावरण में सभी, एक जीव द्वारा निभाई गई कार्यात्मक भूमिका जहां वह रहता है। बिल्कुल सही बात। जन्म दर से क्या अभिप्राय है? नेटिलिटी किससे मतलब है? जन्म दर से। ऑप्शन बी। लॉजिस्टिक वृद्धि में अनंत स्पर्शी प्राप्त होता है जब, देखो आपने पढ़ा है कि डी एन
बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई एन। कह रहे अनंत स्पर्शी कब प्राप्त होगा, तो जब एन बराबर के हो जाए, तो एन बराबर के हो जाएगा तो एन और एन कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, और जीरो कहीं पर भी आया तो वह वैल्यू क्या हो जाती है, अनंत स्पर्शी, ऑप्शन बी। सुस्पष्ट ऊर्ध्वाधर स्तरों से अपनी लंबाई के अनुसार व्यवस्थित पादपों की उपस्थिति सबसे अच्छी कहां देखी जा सकती है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। विशिष्ट श्वसन मूलों को उत्पन्न करने वाले तथा सजीव प्रजक्ता दर्शाने वाले पादप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, श्वसन मूल किसमें पाया जाता है, राइजोफोरा में। राइजोफोरा कहाँ पाया जाता है, दलदली क्षेत्रों में, समुद्र के किनारे, लवणोद्भिद में। कवक मूल किसका उदाहरण है, तो अभी बताए थे, सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म का। शंकुधारी पादप पर्यावरण के चरम दशाओं को सहन करने के लिए अनुकूलित होते हैं क्योंकि उनमें क्या होती है, मोटी उपत्वचा होती है, ऑप्शन डी। यदि प्लस चिन्ह को लाभकारी दाय परस्पर क्रिया, माइनस को हानिकारक, जीरो को उदासीन, तो प्लस और माइनस किसको दर्शाता है, एक को लाभ दूसरे को हानि, क्या लगा दोगे, परजीविता। हमारे अंदर कोई परजीवी एंटीमीबा है तो उसको तो लाभ हो रहा है लेकिन उससे हमें क्या है, हानि है, क्योंकि हमारे शरीर में रोग पैदा करता है। लॉजिस्टिक मॉडल का अनुसरण करते हुए किसी समष्टि वृद्धि दर शून्य के बराबर कब होगी, शून्य के बराबर, अनंत स्पर्शी नहीं, अनंत स्पर्शी तो चाहिए तो के बराबर एन होना पड़ेगा, ठीक है, और शून्य चाहिए तो क्या होना चाहिए, के बाई एन इज इक्वल टू, सॉरी, एन बाई के, एन बाई के इज इक्वल टू एक होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन डी। बड़े आकार के जंतुओं के मुकाबले में छोटे आकार के जंतुओं के लिए पहाड़ पर चढ़ना आसान होता है, क्यों, क्योंकि छोटे आकार वाले पशुओं की उपापचय दर अपेक्षाकृत अधिक होती है। गॉस का अपवर्जित अपवर्जन नियम क्या कहता है, कि संसाधन विभाजन के लिए स्पर्धा उस जाति को अपवर्जित कर देगी जो भिन्न प्रकार के भोजन पर जीवित रह सकते, गलत बात, कोई भी दो जातियां एक ही निकेत में असीमित अवधि के लिए रह नहीं सकती क्योंकि इनके लिए सीमाकारी संसाधन समान होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही बात है, ठीक है, यही लगा दीजिए, गॉस का अपवर्जन नियम यही कहता है। निम्नलिखित में से किस पारस्परिक क्रिया में दोनों संघी प्रतिकूल प्रभाव में प्रभावित, देखो जाति ए और जाति बी दोनों के दोनों एक दूसरे के द्वारा हानि प्राप्त करते हैं, वह है स्पर्धा, स्पर्धा में दोनों को हानि होती है, बस। तो ये था आज का अध्याय जिसमें आपने जाना कक्षा 12 का अध्याय 10 जीव और समस्या से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके बाद आता है यह अध्याय 11 था, हाँ यह अध्याय 11 है, सॉरी अध्याय 11 है जो समाप्त हो चुका, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो बार बार पूछे गए भी हैं और पूछे जाएंगे भी यहीं से, इसको याद कर लीजिएगा, अगला अध्याय जल्दी बताया जाएगा, धन्यवाद।